एक बार जोर से जयकारा लगाऊं, बोल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए श्री गौ माता की जय हो। बात सुनाई जाती है, यह द्वापर युग की कथा है। द्वापर में कौन के मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज किया करते थे, बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनका एक लड़का कंस बड़ा कुकर्मी अत्याचारी, साधु संतों ऋषि महात्मा पर बड़े बड़े अत्याचार करे, उसके पापों से धरती कांप उठती है। और उग्रसेन के छोटे भाई का नाम देवक, जिसके एक लड़की जिसका नाम देवकी रखा गया। तो कंस ने इतने अत्याचार करने शुरू कर दिए इस धरती पे, वो धरती माता डर गई और गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है, प्रार्थना करती है। एक बात के माध्यम से क्या बताया, ओ पृथ्वी कहने लगी सैन का कंस अधर्मी, जिन ऋषियों पे व्यपता के से लाज बचा लो ने मेरी, उग्र सहन का कंस धर्मी जी ने ऋषियों पर व्यपता घेरी। ₹50 एक छोटा बच्चा, ₹100 और आदरणीय भाई धर्मेंद्र कुमार शुक्ला जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। पहले नंबर पे क्या बताया, बोलिया यज्ञ हवन तपदान रहे ना, मनु होगी बोलई न प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि हो तर कर दिए तेहरा तीन प्रभु, वेद शास्त्र उपनिषदों में करता नुक्ता चीन प्रभु, हे राम नाम छुटवा दिया सबका वो कुकर्म में लोली न प्रभु, ₹50 सिंगवा गांव से हमारा भांजा सोनू मान सम्मान करता है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ₹10 एक और छोटा बच्चा मान सम्मान करता है, बार बार धन्यवाद है। दूसरे नंबर पे क्या बता,
गंगा जमुना गंगा जमुना तेरे वैणी का बंद कढ़ाया स्नान प्रभु साधु संत महात्मा योगी करया करे गुजरान प्रभु मंदिर योर चवाले डा दिए गाल दिए घमासान प्रभु और हाहाकार मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु सौ रुपये मेरा शिष्य प्रदीप चाहर मान सम्मान करता है, बार बार आशीर्वाद दिया जाता है। तीसरे नंबर पे क्या बताया, और मनु समृति भूल गया संसार प्रभु भूल गया मर्याद जमाना मचगी मारो मार प्रभु को न्या ज्ञान रहा दुनिया में बढ़ गए अत्याचार प्रभु और पत्थर बांध के ऋषि डबो दिए जमुना जी की दार प्रभु ऋषि डबो दिए जमुना जी की दार प्रभु संत बाज के ही मल्य संत बाज के ही मल्य अरे मुथरा में डूबा सतयुग में सतयुग में हिरणा कुश मारा नरसिंह रूप धरिया प्रभु त्रेता में तन रावण मारा बन के राम फेरिया प्रभु द्वापर में तू कंस मार के ओ जब्रज हरिया प्रभु श्री मंगे राम रटे बचपन ते सेवक श्याम तेरा प्रभु मंगे राम रटे बचपन ते सेवक श्याम तेरा प्रभु ब्रज में रास दिखा दे ठिकाने ध्यान समय आने पर तोड़ दू मैं अभिमानी का अभिमान।
अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की ड्यूटी लगाते हैं एक बात के माध्यम से, क्या बताया? ओए काम क्रोध मद लोह मारियो, और या दो कुल में जन्म धारियो, और वह सुंदर का बार तारियो मुथरा में जाके। पुत्र संग में जाके लड़ो धर्म की जंग, अरे कृष्ण रास करे हरि रण में वेद धुनी गाके। पचास रुपए बलवान जी चार के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है, 100 रुपए साधु राम जी के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है, 10 रुपए शेरी के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। मैं बूढ़े का नाम भूल गया, तेरा छोरा का ले दिया। 50 रुपए रामफल जी चार के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ओए सदा भगता पकड़ियो मेरे आज गराम जमाना फेर, आज गराम जमाना फेर, और देर नहीं सचट पट होंगे और देव के कृष्ण प्रकट हो, अरे फेर दोबारा लटपट होंगे पिचकारी ठाके। पचास रुपए अजीत जी के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद, और 50 रुपए मेरे हिसाब से तो मड्डू की पोती है, हाँ न्यूए है। ओ शिव की पूजा करेंगे हमें नारा प्रसाद रज का देश, अरे शेष नाग जल रखने है वाला शंकर चक्र फल रखने वाला रघु धरे बल रखने वाला दूध दही खाके। सुबह शाम आज हमारे सिद्ध हो जाएंगे काम, हर मांगे राम ब्राह्मण की वाणी देव की मैया दुर्गा भवानी यशोदा मैया नंद की रानी जा पड़ जाओ समागे।
खातरे ओए वरटो भन की सोची ए रकन से बैठा लिया अपनी जड़ में घर तो वन की सोची स्नान कर थी स्नान कर थी गणेश रुख हो गया रोक दिया महादेव जानते बीच बच्चा हो गया शिव जी गए मैल कवितर मोटा लड़ाई पार्वती ने करी लड़ाई ओ शरद पवन की सोची ओ युगर से अपनी जड़ में पवन की सोची युगर से देव की खातिर ओ पवन की सोची पंच बैठा लिया कुलदीप कुमार जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद दिया जाता दूसरे नंबर पे क्या दर्शाया ₹50 हरियाणा रोडवेज से लीला ड्राइवर जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है ₹100 अनिल गौ भगत जी
मेरे बड़े अजीत साथी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। गौ माता आशीर्वाद बनाए रखे। 100 रुपये मेरा शिष्य संजय शर्मा मान सम्मान करता, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ₹2100 परम पूज्य पुजारी जी मेरे लिए प्रभु स्वरूप, ₹2100 से पूरी पार्टी की हौसला बुझाई करते हैं। बार बार चरणों में प्रणाम है, धन्यवाद दिया जाता है। तीसरे नंबर पर क्या बताया, सोमर दोबारा रे रचा सोमर दोबारा नर फिर कोवण की सोची युगल सैन देव की खातिर कोवण की सोची कंस बठाए आया परी धर्म कर कोवण की सोची उग्र सैन देव सुझाव देते हैं कि सुनिए राजन गौर ते ठीक वर्ण और जात, सुनिए राजन गौर ते ठीक वर्ण और जात, जे आजा तारी निगाह में एक कहूं प्रेम त बात। वो ब्राह्मण उस राजा उग्रसेन के सामने प्रस्ताव रखते हैं, एक लड़के के बारे में बताते हैं। क्या बताया, ए सूर सहन के
देव लड़का से बेशक साथी करे दो नहना एक रती धड़का से सुखी बताओ अमृत का छिड़का से मेरे शिष्य प्रदीप कंदोला जी बुढ़ाने से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया जाता है, बार बार धन्यवाद है। क्या बंदा आती है नंबर में
का ताली का खुड़का के सक साथी कर जो लेना एक रती धड़का मारे अपना लुगाई का दड़ाए दड़े अरे बोला देखे भगवान काली नामा नहीं है लाडम मारे हैं अपनी करके उसने भी ठाकर बेलन चिमटे दे गुस्से दे लाद बोली तो के मान गया मैं लाडे नहीं कर दी। आजकल तो इस ढाल का मेल है तो ऐसा लाड की टाला कराया करो मेल मिला कर आया करो गृहस्थी के जो नियम है। सूरसेन का टीका लेकर पहुंच गए ब्राह्मण नाई अरे कर सोला श्रृंगार गोपनी गावन गीत घर आई। लक्ष्मी चंद झुका जब सिर दिए छोरे के माथे चावल धर दिए ब्राह्मण नाई विदा कर दिए श्री मांगे राम कथा गाई अरे कर सोला श्रृंगार गोपनी गावन गीत घर आई। अब उस वासुदेव महाराज का देवकी के साथ रिश्ता पक्का कर दिया जाता है शादी की तारीख धर दी जाती है दिए हुए दिन और तारीख के अनुसार वासुदेव महाराज बारात लेकर मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती है। गौर तो सुनियो जहां से इस कृष्ण जन्म में खेल बिगड़ता है। शादी की सभी धन्यवाद छोटा बच्चा सभी रस्में पूरी हो जाती है और वो कंस अपनी बाण देवकी से इतना प्रेम करता था कि खुद उस गढ़वाले का सारथी बनकर चला जिसमें देवकी को विदा किया गया था। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो कंस उस देवकी को लेकर चला एक आकाशवाणी हुई ऊपर से आवाज आती है। क्या आवाज थी क्या बताया एर कंस मूर्ख तने पता नहीं तू जिसका बन रहा गढ़वाला हे रही सलड़ की के लड़का होगा नाम धरे कृष्ण काला कंस मूर्ख पता नहीं किसका बने गढ़वाला क्या होगा नाम धरे कृष्ण काला कंस मूर्ख पता नहीं किसका बने गढ़वाला धरे कृष्ण काला
मैं हरणा कुछ मारिया नरसिंह रूप थाम बनकर त्रेता में तू काल नेम तेरे काटे प्राण राम बनकर किरसन बनकर तने मारेगा अरे काटे सांस श्याम बनकर करने आवेगा और तेरी कहल बंद है इस लड़की कहल का होगा नाम धरे कृष्ण पता नहीं पहे अदुष्ट संहारणे आवैस जब जब बाहर बढ़े धरती पर ओ बाहर उतारणे आवैस साधु संत ऋषि मुनिया के अरकाद समारणे आवैस साधु संत ऋषि मुनिया के काज समारणे आवैस शंख चक्र गदा पद्म प्रभु ओ शंख चक्र गदा पद्म प्रभु के और वैदुंती गलंब माला इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे कृष्ण ओ मन सूर में तने पता नहीं किसका बड़े रात जवारा इस लड़की के लड़का होगा नाम धरे कृष्ण खोश कहे अपने घरा बुलावेगा काली देवे कूद पड़े ओ नाग के नाथ गलावेगा अतक वंशी बिरसनी वंशी आरे या तो वंश चलावेगा अतक वंशी बिरसनी पूतना तने मार दे ओ मार पूतना तने मार दे ओ बिल्कुल नहीं करे टाला इस लड़की पे लड़का हो नाम धरे कृष्ण काला तन से मुरे के तन पता नहीं किसका बड़े Oh!
अड़ेल सतपुरुषों की नाम भवते श्री मांगे राम कहे मो ममता या जिस दिन तेरी मर जागी का खुल जाता इस लड़की के लड़का होगा नाम दर्शन का कम से मूर्ख है न पता नहीं किसका बड़ा कटवाला इस लड़की के लड़का होगा नाम दर्शन का आपके द्वारा उसको कैसे दर्शाया पंडित जी महाराज ने पंडित मांगे राम जिया ने क्या बताया ₹50 बीरा राम जी जांगड़ा के यहां से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद करया करता खील मखाने किसमिस तेरी ठाटी गोज भरया करता ए पिन भाई की पान जान के मुसारी हार डरया करता ए छोटी बहन मेरी अबला तेरे सिर पर हाथ धरया करता छोटी बहन मेरी अबला इस जंगल में सी समसाल आम और जामुन पेड़ खड़े इस जंगल में ये साधु संत महात्मा योगी
मन तो पड़े इस जंगल में ये आप चले ओरा न जलावे पास भेड़े इस जंगल में साथी कर कहे काटूंगा कर तेरा देव की पीजा खून चलू भर के एक एक पत्र कर तरह केरी एक दया छोटा कर के काटूंगा कर तेरा देव की पीजा खून चलू भर के सुनू का दलिया जागा सारे रास्ते बंद कर दू फिर कौन करने सलिया जागा कृष्ण के सुदर्शन नीचे क्यों मेरा गलिया जागा ए जड़े मूल ते पेट काट दू पता किस तरिया गलिया जागा ₹200 हमारे साथी भाई जसवीर पहलवान जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद भाई का धन्यवाद। नखरे नाज करू चिंता मिट जा खटका हट जा सुखता सोऊ राज करू घड़ी तो परसा सा हट जा इस कुकर्म में आज करू एक ही से का बह मानू को ना मशर के ऊपर ताज रहू किसे का बह मानू को ना ₹100 आदरणीय प्रकाश जी सोनी के घर से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। अब वो कंस परेशान करता रहा उस देवकी को अत्याचार करता रहा और देवकी ₹50 हमारे चाचा पालाराम जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद दिया जाता धन्यवाद। अब वो देवकी प्रार्थना करती हाथ जोड़ के ₹10 सूरज भान चार जी मान
सारे हके बयान सुरजवान बयान जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। प्रार्थना करती है वो देव की के भाई किरे बाण देव की बाण प्राण त प्यारी बता क्यों मारी के भाई मन मत ना मारे अरे वो समाज क्या कहेगा कैसे वो देव की क्या प्रार्थना करती खड़ी बारात देख आलात डर से सारे तेरा पाट्या कोना रे तोल राम के मारे खड़े हजारा लोग मान रे सोग बटे उथारे बस मुथरा के मां रे काग लवे देने आए भगवान दिखावे शान वान जा थारा सैन का कुटुम मानता हुक्म लड़ाई हो जा गल जांगे घमसान चढ़ाई हो जा बुरी आपस की फूट माच जा लूट लुटाई हो जा चले यदुवंश के रे तीर सफाई हो जा युवा सुदेव महाराज होया नाराज लाज का मारा Yeah.
चचेरी तेरी चचेरी तेरी चचेरी बाण मानती कान समझ के नाता आग पड़े ने तो शेर तलक ना खाता बड़े बड़े सरदार लिए तलवार खड़े बेदाता आरी कलम तोड़ दी दान तने बेमाता कलम तोड़ दी उग्रसेन के कंस नट चेर वंश बाजलिए बारह चंद लिए देख कर्म के लेख तले ना टारे तेरा पाट्या को ना रे तोल पेट के काले करना चाहिए प्यार करो तकरार बनोया सारे श्री मांगे राम देखो लवरम के तारे देख रहे थे। वासुदेव महाराज कंस के सामने प्रार्थना करते हैं कि भाई तने युवा डर होगा जो देवकी के गर्भ से संतान पैदा होगी और तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो भाई मेरा यह वादा है तेरे से, तो इसने मत ना मारे। जो भी देवकी के गर्भ से संतान पैदा होगी मैं पैदा होते ही तेरा वाला करता रहूंगा, लेकिन इसने मत ना मारे। एक बात के द्वारा वासुदेव महाराज क्या प्रार्थना करते कंस से, एर दीन बलाने मत ना कृष्ण कृष्ण तेरे इरे जो लड़का होगा करूंगा हवाले तेरे करूंगा हवाले तेरे।
पैदा होते रुई मलक हो करे दूंगा बेत तेरी। अरे चाहे देव की कुछ भी कही हो दे दूंगा बेत तेरी। अरे हाय कसुती हाथ पेट तेरी मत फूक दिया बेन बेर ₹50 हमारे बड़े भाई साहब सुरेश शर्मा जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ओरा की तय गिनती कैसे दे दूंगा कृष्ण चाहे जो मनर कुछ भी कहियो हाजर करूं तने मन ने। अरे सियाणा मानस अपने पता कौन छतरी जमना में नाया रे करूंगा परमेश्वर की भक्ति करके हरि गुण गाया रे करूंगा तेरी देन हाजरी आया करूंगा देन हाजरी आया करूंगा जब पीड़ी लक्ष्मी चंद सोचे समझे बिन गृहस्थी का घर बसताना अरे परमेश्वर का वजन करे बिन और कोई
रसताना अरे इतने ज्ञान दीप चस्ताना इतने ज्ञान दीप चस्ताना बोला रहना ओ पड़ा सायं के लक्ष्मी चंद सोचे समझे बन गृहस्थी का घर बस्ताना रपण में सर का अब वासुदेव महाराज बड़ी प्रार्थना करते रहे लेकिन कंस पर उस प्रार्थनाओं का उन दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। वासुदेव महाराज दोबारा समझाते कह रहे और नहीं तो एक बात का ख्याल रख, ये ब्याह का मौका भी है और दूसरे नंबर पर यात्री बाण भी लगे है, अरे कुछ तो ख्याल कर। वो वासुदेव महाराज दोबारा समझाने की कोशिश करते कैसे सौ रुपये हमारे चाचा मुनिराम जी आशीर्वाद स्वरूप देते, बार बार नमस्कार धन्यवाद। लगे तेरी आर दीन बलहान मार गाते यो जागी डूबा डेरी बड़ी गलती है मौत के भय से इसने मारे मौत कभी ना टलती है 100 वर्ष की आयु मनुष्य की न्यू अक्षण अक्षण ढलती है लेती जन्म साथ बंदे पे या मौत साथ में चलती है
कहे दिखाई दे प्रतिबिंब कै आवा लाग जा छोड़ सच्चाई दे ऐसे ही ये जीव आत्मा मोकी बना कमाई दे आत्मा में बेईमान ना हो कैसे ब्रह्म गवाही दे जन्म मेरा मेरी मेरे शिष्य संजय शर्मा मान सम्मान करते बार बार आशीर्वाद दिया जाता है। जैसे एक कीड़ा एक तिनके को पकड़ के ए लड्डू सुन के एक तिनके को पकड़ के धीरे धीरे चलता है लेकिन कोशिश करता है जब उससे भी ज्यादा वजन का हो कीड़ा वो तिनका लेकिन वो कीड़ा छोड़ना नहीं चाहता। ये भी इंसान का भी यही काम है। उर तक कोई जाना चाहो है जो साजे है धक्का हो जे है तेरी दुनिया में जो भी चलाता यहां से नहीं जाना चाहता पंडित जी की बात जगन्नाथ जी की उसी प्रकार। लेकिन कुछ पूर्वले कर्म होते इंसान वो भी भोगता है कुछ इस जन्म में किए हुए कर्म होते वो भी भोगता है न बोले सारी चीजों का पार हो जे लेकिन जिसकी आत्मा बेईमान होगी उसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। क्या बताती थे नम्र पंडिया ने ढंग धरता है ऐसे ही ये जीव आत्मा तन में बासा करता है सुपन सांस संस्कार जान के चिंता करता डरता है पूर्वले संस्कार विधि से सब करणी का दंड बढ़ता है बच नहीं सकता मौत के आगे बच नहीं सकता ठाठा पाट चला गेरी
का भी कुछ करिए ध्यान, दीन बलाने मारेगा ते तेरा पाप लगेगा दे अनुमान। कंस पे उनकी प्रार्थनाओं का दुआओं का कोई असर नहीं हुआ। वासुदेव को और देवकी को कैद कर लेता वो कंस, और उधर वो विष्णु भगवान बैठे बैठे सब देख रहे थे। योग माया को आदेश देते विष्णु भगवान, बुलाते हैं कि अब आपका इस पृथ्वी पर जाने का अवसर आ गया है। किस प्रकार से कैसे विष्णु भगवान योग माया को क्या आदेश देते हैं? भार छाया अरण्य तरों से पैदा कर दी विष्णु जी ने योग माया रे। सुनना, पंडित जी ने इस पूरे भजन में पूरा कृष्ण जन्म दर्शाने की कोशिश की है। क्या क्या बताया विष्णु भगवान ने कि क्या क्या होंगे, क्या क्या कारण बनेंगे, क्या बताया? ये 500 रुपए मेरा भतीजा सुशील कौशिक मान सम्मान करता है, बार बार आशीर्वाद दिया जाता है बेटे को, बहुत बहुत आशीर्वाद है। पहले नंबर पे क्या बताया? कला का धाम होगा रोहिणी के गर्भस्थते नाम बल राम होगा। 33 करोड़ देव क्या केवा तेरा बटा नाम होगा। दुष्ट का तन नाश करना तू जब तय कृष्ण श्याम होगा। दुष्ट मथुरा में जल्दी चल जा, मथुरा में जल्दी चल जा, और साथ साथ में भी आया नेत्रों से पैदा कर दी विष्णु जी ने।
धर्म की जमात होगी, रल मिल कर करा गुजारा पूरी मारी भुवात होगी। दुर्गे भद्रा अंबिका काली इन नामों से ख्यात से विष्णु जी ने योग माया। 100 रुपये मेरा भतीजा जगत शर्मा मान सम्मान करता है, बार बार धन्यवाद दिया जाता है बेटे को, बहुत बहुत आशीर्वाद। 100 रुपये प्रवीण जांगड़ा जी मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। 200 रुपये विकास जी मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। 100 रुपये और जसवीर पहलवान भाई साहब मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। दूसरे नंबर तीसरे पे क्या बताया, तेरी शादी होना स्वर्ग में कवारी जागी, कंस के अपराध चढ़ तू पाटड़े के मारी जागी, मैं मथुरा में आऊंगा तू गोकुल में पधारी जागी। जमाना खाया नेत्रों से पैदा करती विष्णु जी ने योग माया, नेत्रों से पैदा करती विष्णु जी ने योग वार बुध वार होगा, श्याम सुंदर तेरी माया मेरी कबूत बाहर होगा, मान सिंह शिष्य लक्ष्मी चंद बड़ा कवि का सार होगा, मंगेरा आधी रात तू दरवाजे पे बाहर होगा, देखिए भगवान आगे बड़ी करुणा भरी आवाज में वो देवकी मन ही मन में खुश कि जैसे आकाशवाणी हुई थी उस दिन आ गया कि महाराज एक बहू थी, देखिए कौन आया कैसे, वो देवकी वासुदेव महाराज को जगाती है, क्या दर्शाया, ओ आगे श्री कृष्ण भगवान और धरल्यो ध्यान, ओ सुत
थरी श्यान है पीतांबर बाणास
बच्चा साधु राम के घर से मान सम्मान करता है, बार बार आशीर्वाद दिया जाता है। आगी सगड़ी आनंद की ओ फांसी कट जा व्यपत के फंद की सुने लक्ष्मी चंद की ही बात कर जा खुबा और दिन और रात भागम तेरा गाना से और कैसे उस देवकी को समझाते हैं वासुदेव महाराज एक बात के द्वारा। हाँ भाई
मान दाता वे राज तेरा करे केरा कह के वासुदेव के दोनों नेत्र भर के अरे जिसे आए थे उसे नजर के जिसे आए थे उसे नजर के अरे छऊ पूते कवारे गुरु की सेवा कर के पार उतरे जा लक्ष्मी चंद्र गुरु की सेवा कर के पार उतरे जा अर्पण की नजर आया के रीते हो कबर जा ओ एक कलम रखे चाहे आते मर जा ओ कलम रखे चाहे आते मर जा के लो एक सांस उधार ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुजी रूप दिखलाया और बताते हैं कृष्ण भगवान के गोकुल में नंद राय के घर पर लड़की हुई है, आप उसको यहां लेके आओ, मेरे को वहां छोड़ के आओ। वासुदेव महाराज लेकर चलते हैं, सारे ताले अपने आप टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। कैसे एक प्रकार से वहां क्या रचना की पंडित जी ने, दर्शन ने और काली घटा अरे होई बरसन ने अरे ले के चाले पड़ा केर सन है गोकुल की राई छोरी ओके हो, इसने ठाया गाड़ा गाड़िया द्वारा छोड़ दियो भी और के इलाज से। ओ तुझा सनंदराव की पोली एक बे भर ननाड की कोली एक बे भर ननाड की कोली हरे दिन दोहरी ही बे खोट मार दी वंश के चोटे महार तेरे सरस कैसी चोटे मार तेरे छे भाई हमारे
इस रूप में कृष्ण कुमार जी मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। ओ से तू तीन लोक का नाथ, चूमलू ये भूरे भूरे हाथ, मामला रे छिड़ गया ए, अरे गलती खाई बार लकड़ गया, अरे काट खड़ाऊ जलम रे बढ़ गया, जय जय मना माई सारा देश आनंदी लुटे, आज मेरा सांस या दम में टूटे, आज मेरा सांस या दम में टूटे। और सुनियो, सारा जीव ने कह दिया पंडित मांगे राम जी ने, जिस गला यही है चीज बन जे नी के हो जे, आज मेरा सांस या दम में टूटे। अरे बहुत छूटते है योर भाई रे मर जा, अरे भगवान जे वीर गुजर जा, बाप ते पला बेटा रे मर जा, जीवना नाई गल में गल्या विपत का फंद, आज रे आज मेरे छूट गए ऐसे आनंद, बस्तर दे दिया कीमत ज्यादा, सस्तर दे दी एरा जमाना जी ने, रास्ता दे दिया जट गोकुल आई, कृष्ण भगवान को गोकुल छोड़ आते,
और जो नंद राय के घर लड़की पैदा हुई थी उसको मथुरा में ले आते हैं। भगवान कृष्ण बाल लीलाएं करते हैं, गोपनियों के साथ अटखेलियां करते हैं। कैसे किस प्रकार क्या दर्शाया? एक बात से भाई, अरे अब को कमाल है भाई, तारे ना डरे, शर्म तो तारे हो की थी, हद है भाई। अब कैसे? हेलो, अच्छा दिए गोपनी ने एक हेलो हाँ भाई हेलो हाँ भाई सर ये सुना होगा इसमें हे रजमना पहर रोज का जाना ओ मटूंगी नंद के घरा उलाना रजमना पहर रोज का जाना मटूंगी नंद के घरा उलाना तेरी तरवा दूंगी खालने तेरे तुम्हें अति जाती छेड़ोर नंद के लालने जमना पार रोज का जाना तू भी नंद के सना तेरे ईसा क्यों जाड़ मेरे पैगेरे मारू खींचन सना तेरे ईसा क्यों जाड़ मेरे पैगेरे मैं थारे तोड़े बगा दूरे जाड़न ओ हम जाना सा मुरारी तेरी जाड़न जमना आज जो जाना क्यों भी देखना मुरारा तेरी तोड़ बड़ू थारे घर में रुका पड़ जाके सन घर में ताला तोड़ बड़ू थारे घर में रुका पड़ जाके सन घर में मैं थारे बहारे बगा दूरे माल में ओ जाना सा मुरारी तेरी काल में
समारे रे अंधकवल सी बिरसनी वरसी ए दीवार समारे रे थारे देखूं सूल जेड़े मारे जमना जी पैगेड़े ओ थारे देखूं सूल जेड़े मारे जमना जी पैगेड़े थारे बोरे देख लूरे काल ने ओ हमें जाना सामुराई हो तेरी चाल ने जमना आज रोज ताजा लक्ष्मी चंद मुरारी राम खिलारी आ जानी लक्ष्मी चंद मुरारी मंगे राम खिलारी गणता जमुना जी की रे जाल ने ओ हमें